नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ABTech में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे PGT भर्ती 2016 की, जिसका फिलहाल अभी रिजल्ट जारी हुआ है, फाइनल रिजल्ट है। इसमें कितनी कितनी कट ऑफ किस विषय की गई है, यहाँ पर हम बात करेंगे 21 विषय की कट ऑफ के बारे में। ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। और इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि इसमें जो मेरिट बनती है, मेरिट का निर्धारण कैसे होता है, नंबर कैसे जोड़े जाते हैं, कितने का पूर्णांक होता है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे इसके मेरिट बनती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक मेरिट रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो मेरिट लिस्ट है इसमें रोल नंबर होता है, कैटेगरी होती है, यहाँ पर सब कैटेगरी होती है, रिटर्न मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू मार्क्स होते हैं, यहाँ पर बीएड के नंबर, एमएड के नंबर, पीएचडी के नंबर, स्पोर्ट के नंबर, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल मार्क्स। जब मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें आपका लिखित परीक्षा के नंबर जोड़े जाते हैं, इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाते हैं, और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होती है उसके नंबर जोड़े जाते हैं। सबको मिला करके फाइनल नंबर बनते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ा जाता है। अब आपको बता दें कि लिखित परीक्षा जो होती है, यूपी की जो टीजीटी पीजीटी भर्ती है, वो लिखित परीक्षा होती है 425 नंबर की। 125 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, विषय के होते हैं 125 क्वेश्चन आपके। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन जो बनता है 3.4 नंबर का बनता है, ठीक है। इंटरव्यू की बात कर लेते हैं तो इंटरव्यू होता है 50 नंबर का, जिसमें से इंटरव्यू नंबर यहाँ पर 46-47 तक मिल जाते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो अगर आपके पास बीएड है तो 5 नंबर आपको मिलता है वेटेज के तौर पर, एमएड है तो आपको 10 नंबर वेटेज मिलेगा, लेकिन फिर आपको बीएड का वेटेज नहीं मिलेगा। इसी तरह पीएचडी का भी वेटेज 10 नंबर का मिलता है, और स्पोर्ट्स में 5 नंबर का वेटेज मिलता है। तो कुल मिलाकर के 25 नंबर आपका वेटेज से मिल जाता है। अगर तीनों को जोड़ दें, 425 लिखित का, इंटरव्यू का 50, और इसके बाद एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का 25, तो बन जाता है 500। 500 के हिसाब से फाइनल मेरिट बनती है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं मेरिट कट ऑफ कितनी कितनी है। दोस्तों, ये जो सारी कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ है, और मिनिमम कट ऑफ होती है विषय की। इससे अगर कम नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर इससे ज़्यादा नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो कट ऑफ है, इसकी अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, या फिर गूगल पे डाल दीजिए गवर्नमेंट जॉब सेंटर, ठीक है, डाल देंगे .com, तो ऑफिशियल साइट खुल जाएगी, वहाँ से इसकी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जिनको वेबसाइट से डाउनलोड करने में समस्या होती है, वो नहीं मोबाइल से ऐसे चला पाते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, किसी किसी मोबाइल में खुलता भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कट ऑफ आपको बता रहे हैं, इसकी पीडीएफ आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी फिजिक्स की कट ऑफ के बारे में। जनरल की 412.9711, ओबीसी 394.1674, एससी की 361.1756। यहाँ पर इधर सब कैटेगरी की कट ऑफ है, तो इसको फिलहाल हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको सावधानी के लिए, और वीडियो लंबा ना हो इसके लिए, दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक तक कट ऑफ काउंट करेंगे, ठीक है। पीजीटी की अगर बालिका वर्ग की कट ऑफ देख लेते हैं तो 386.07, जनरल की, एससी की 217.07, रसायन विज्ञान की बात कर लेते हैं 372.04, जनरल की है, ओबीसी 354.5446, एससी की 298.3357। इसी तरीके से रसायन विज्ञान बालिका वर्ग की बात कर लेते हैं 344.1695, ओबीसी 299.66, एससी 308.8355। अधिकतर लोग कहते हैं एससी की कट ऑफ कम जाती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग इसमें देख सकते हैं ओबीसी की 299.66 है और एससी की 308 है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी के सापेक्ष और कंपटीशन के सापेक्ष, अवेलेबल कैंडिडेट्स के सापेक्ष में डिपेंड करता है। अंग्रेजी की कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो 338.96, ओबीसी 326.08 और एससी की 305.16 बालक वर्ग की है। बालिका वर्ग में देखिए 331.25, और ओबीसी में है बालिका वर्ग में 307.21, एससी की है 280.62, ठीक है। इसी तरह से जीव विज्ञान बालक वर्ग की बात करते हैं 352.39, ओबीसी 342.18 और एससी की कटाव है 328.91। बायोलॉजी बालिका वर्ग में देखिए 332.57, 299.23 और 299.93, ये एससी की कट ऑफ है।
कैटेगरी यहाँ पर लिखी गई, इसको आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ नीचे आएंगे तो कॉमर्स की कट ऑफ है बालक वर्ग में 401.9711, OBC 387.74, SC 361.9875, गणित बालक वर्ग के देखिए 360.32, OBC 338.18, SC 296.57, गणित बालिका वर्ग में 317.5253। इतिहास की बात कर लेते हैं, 422.38 जनरल, 416.71 OBC और 398.47 ये है SC की। इतिहास बालिका वर्ग में OBC 409.01, SC 373.58 है। नागरिक शास्त्र की बात कर लेते हैं, जनरल 393.81, OBC 381.5759 और SC की कट ऑफ है यहाँ पर 376.7589। नागरिक शास्त्र 375.2753, 362.8245 और SC की 333.7727। ये तो 15 यहाँ पर कैटेगरी होगा इनकी कट ऑफ है। अब आगे देखिए अर्थशास्त्र की कट ऑफ, जनरल 399.24, OBC 388.88, SC 360.47 और ST की कट ऑफ यहाँ पर 246.94। इसी तरीके से अर्थशास्त्र बालिका वर्ग में 375.21 जनरल, 305.78 SC। शिक्षा शास्त्र की कट ऑफ देखिए 442.13, OBC की 431.16, SC 411.7452। शिक्षा शास्त्र बालिका वर्ग में 429.89 और OBC 425.74। काफ़ी हाई कट ऑफ गई है शिक्षा शास्त्र की, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, 500 में से 442 तक गई है। इसके बाद मनोविज्ञान की कट ऑफ की बारे में बात कर लेते हैं, तो जनरल 372.47, 358.9499 और 335.33 ये SC है। मनोविज्ञान बालिका में देखिए 372.42, OBC 338.9976 और SC 352.9499। कृषि की बात कर लेते हैं, 360.2535, OBC 350.9770, SC 336.0664। और इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर भूगोल की, ठीक है, तो 359.4737 ये है और 348.5690 OBC है, 327.4739, ठीक है, ST की कटाव देख लीजिए 293.5694, ये भूगोल की होगी। बालक वर्ग की, बालिका वर्ग की जनरल की कटाव है 345.9976। जहाँ पर कटाव नहीं लिखी इसका मतलब यहाँ पर कोई भर्ती नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर कटाव नहीं मेंशन है। समाजशास्त्र की बात कर लेते हैं, तो 447.9622, OBC 439.87 और 433.00 ये है SC की कट ऑफ। तो समाजशास्त्र भी कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं 500 में से 447 गई है, इसकी भी कट ऑफ काफ़ी हाई है, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यही हाई है इसकी कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद देखिए समाजशास्त्र बालिका वर्ग की 440.0037 और SC की कट ऑफ है 424.8785। उर्दू बालिका वर्ग में देखिए 421.7535। संगीत की बात कर लेते हैं, तो म्यूजिक गायन में बालिका वर्ग की 421.664 ये, OBC में है 364.13, SC में है 388.7333। यहाँ पर भी देख सकते हैं SC की कट ऑफ हाई है OBC के मुकाबले में। संगीत वदन बालक वर्ग की बात कर लेते हैं, 431.13 और बालिका वर्ग में 415.93। संगीत वादन बालिका वर्ग की बात कर लेते हैं, तो 432.73 और 387.93। सैन्य विज्ञान की बात करते हैं, 379.46 यह जनरल की और यह है ST की 228.7935। तर्कशास्त्र यानी लॉजिक की बात कर लेते हैं, 440.86 है और 349.58 ये है तर्कशास्त्र में SC की कट ऑफ। इसी तरीके से देखिए फिजिकल एजुकेशन की जो कट ऑफ है, जनरल की 378.2 है, SC की 334.06 है। फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन बालिका वर्ग में 332.8 है। गृह विज्ञान बालिका वर्ग की बात करें, 360.4612 है, OBC की 346.3778 है और SC की जो है वो 320.4610 है। तो ये हो गई दोस्तों 21 विषयों की पूरी कट ऑफ। इसकी PDF हमने बताया है, हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com विजिट करें, वहाँ पर इसकी PDF अवेलेबल है।
अगर इस जितने विषय 21 विषय कट ऑफ बताइए इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप दो लोग देख सकते हैं, पूरी कट ऑफ में से सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई है वो गई है यहाँ पर समाजशास्त्र बालक वर्ग की, ठीक है, 447.9622 गई है जनरल की, इसी हिसाब से बाकी कट ऑफ भी है। सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ जो गई है वो है शिक्षा शास्त्र की, 442 तक गई है, ठीक है, जनरल की। और अगर थर्ड की बात करते हैं तो लॉजिक की कट ऑफ है 440 तक गई है, ठीक है, तो ये हाईएस्ट कट ऑफ हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो था, थैंक यू।